खातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग। साथ ही आपको बताते हैं स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली विकल्प। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान और साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। जीवन में वही लोग सफलता पाते हैं जो समय का सम्मान करते हैं। तो समय का सम्मान, उसकी पहचान और उसका ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंचांग से और आइए जानते हैं कि क्या है आज का तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग, युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, सोमवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। विचार हमारे लिए भोजन के समान होते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को पोषण देते हैं। पोषण और भोजन जितना बेहतर होगा, उतना ही बेहतर होगी हमारी समझ, उतना ही बेहतर बनेगा हमारा मानसिक स्वास्थ्य। तो आइए देखते हैं आज का सुविचार सुभाषित। नवेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा, क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यमेतन्न संशयः। सिद्धि का कारण न तो योगियों का वेश धारण करना है और न ही योग का कथन मात्र। सिद्धि का कारण तो क्रिया है और यह ही निश्चित सत्य है। The reason for achievement is neither wearing the dress of yogis nor just the statement of yoga. Action is the cause of accomplishment and this is a definite truth. श्रीमद् भगवद गीता में जीवन के अनेक योग के विषय में बताया गया है। योग के कई रूप हैं। इसमें यह बताया गया है कि जीवन के लिए उपयोगी है हर तरीके का योग, ज्ञान योग हो या कर्म योग हो। उसके साथ भक्ति योग का भी विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि भक्ति योग के साथ ही निष्काम कर्म करना संभव हो सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आज के कड़ी में हम जानते हैं कि क्या बता रहे हैं हमारे सहयोगी ज्ञान योग, दर्शन योग और साथ ही भक्ति योग के विषय में। ज्ञेयम् गीता नाम सहस्रम्, ध्येयम् श्रीपति रूपमजस्रम्, नेयम् सज्जन संगे चित्तम्, देयम् दीन जनाय च वित्तम्। गाने योग्य तो गीता ही है, और आप में से कई लोग यह जानते ही होंगे कि कई गीताएं हैं, पर उनमें श्रीमद् भगवद गीता को जो स्थान प्राप्त है वह संभवतः किसी को भी नहीं प्राप्त। इसलिए तो इस अद्वितीय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की प्रशंसा हमें सभी के मुख से सुनाई पड़ती है। इसलिए हम आज लेकर आए हैं गीता महोत्सव की अवधि में श्रीमद् भगवद गीता की विशेषताओं को निरूपित करने की हमारी संक्षिप्त पर क्रमिक श्रृंखला का छठा भाग, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के अपने परिचित प्रभाग में। और इस क्रम में आज बात 700 श्लोकों से मंडित गीता के एकादश और द्वादश अध्यायों की। गीता के एकादश या 11वें अध्याय में श्लोकों की कुल संख्या है 55, और इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। और द्वादश अर्थात 12वें अध्याय में श्लोकों की कुल संख्या है 20, जिसका नामांतर है भक्ति योग।
और अब आज के प्रतिपाद्य दो अध्यायों में से प्रथम अध्याय अर्थात एकादश अध्याय के पहले श्लोक को उच्चारण की दृष्टि से उपस्थापित करते हैं। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संज्ञितं यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन या उपदेश आपके द्वारा किया गया उससे मेरा मोह दूर हो गया है। यह अर्जुन का वचन है। अब बात इन दो अध्यायों के प्रतिपाद्य विषय वस्तु की, और जैसा कि हमने पहले बताया ही कि एकादश अध्याय को कहा जाता है विश्वरूप दर्शन योग, तो यहाँ भगवान ने अर्जुन के किंकर्तव्य विमूढ़ता को अर्थात क्या करूँ क्या न करूँ इस भाव की विवशता को समाप्त करने के लिए समग्र विश्व का स्वरूप ही स्वयं में दिखलाया तथा अर्जुन के मोह को नष्ट किया और कहा कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैत निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन्। अर्थात तुम उठो और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो, ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं, हे सव्यसाचिन तुम निमित्त मात्र बन जाओ। ऐसे ही द्वादश अध्याय में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि यदि कर्म में प्रवीणता न भी हो तो भी जो कुछ कर्म है उसे परमेश्वर के लिए मन से समर्पित किया जाए तो भी संसार में भौतिक सिद्धि और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि 12वें अध्याय का यह श्लोक है, अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम अभ्यास अर्थात योग में भी असमर्थ हो तो मत्कर्म परायण बनो, इस प्रकार मेरे लिए कर्मों को करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। भक्ति योग इस आख्या से अन्वित द्वादश अध्याय में सभी परिस्थितियों में भी समत्व की दृष्टि रखने वाले भक्त की प्रशंसा स्वयं भगवान ने कुछ यूं की है। समह शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समह संग विवर्जितः। जो पुरुष शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान है, जो शीत उष्ण व सुख दुखादि द्वंद्वों में भी समान भाव रखता है और आसक्ति रहित है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे अर्थात भगवान को प्रिय है। और अब इस संक्षिप्त प्रस्तुति में भगवद्गीता के इन दो अध्यायों की अन्य विशेषताओं को जान लेते हैं अपने अतिथि विशेष से। एकादश अध्याय बहुत ही प्रमुख अध्याय है। यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को अपना असली स्वरूप दिखाने के लिए बोलते हैं और श्री कृष्ण उनको अपना विश्वरूप का दर्शन देते हैं, मगर इस दर्शन को प्राप्त करने के लिए वो अर्जुन को एक विशेष दृष्टि भी देते हैं। ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में अगर हमको भगवान की असली स्वरूप जानना हो तो हमें इस विशेष दृष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। द्वादश अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आपसे जो सबसे जुड़े हुए हैं युक्त तमह उनके क्या गुण हैं, तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं बहुत सारे गुण के बारे में समझाते हुए ये कहते हैं कि जो संतुष्ट है और समचित्त है वो मेरे प्रिय जन बनते हैं। ऐसे ही हमें हमारी ज़िंदगी में हर परिस्थिति में संतुष्ट होने का प्रयास करना चाहिए और जय हो या पराजय हो, अगर प्रशंसा हो या हमें कोई भी अपमानित करे, हमें हर परिस्थिति में समचित्त होकर भगवान के निकट जाने का प्रयास करना चाहिए। और अब बात क्रम प्राप्त गीतासार और हिंदी काव्य शैली की। कवि सुशील के शब्दों में प्रस्तुत है अब एकादश और द्वादश अध्यायों का सार स्वरूप। विनत भक्त अर्जुन को प्रभु ने दिव्य नेत्र कर दिया प्रदान, तन विराट कर सर्वलोक को दिखा लिया हर सब अज्ञान। चकित थकित जब रूप देख कर हुआ व्यथित प्रभु भक्त अनन्य, दिखा चतुर्भुज रूप सुखद अति किया व्यथित अर्जुन को धन्य। साकार रूप है सरल कठिन है निराकार का करना ध्यान, तनधारी साकार रूप का पूजन कर करता रसपान। भव के सुख दुख से विरहित हो जो करता है मुझसे नेह, वह मेरा है पार्थ परम प्रिय रखता उर्मे निसंदेह। तो आज हमने जाना श्रीमद् भगवद गीता के 11वें और 12वें अध्यायों की विशेषताओं को। कल यानी अगले क्रम में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 13वें और 14वें अध्यायों की विशेषताओं को। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जीवन के ज्ञान के बाद अब बात तकनीकी ज्ञान की। नई तकनीकों ने हमारे जीवन को बेहद सरल बना दिया है और इसमें एक खास नाम है मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन का प्रयोग बेहद आम हो गया है, बच्चों से लेकर बड़ों तक
सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं, दिन भर किसी न किसी वजह से फोन पर ही लगे रहते हैं। लेकिन यदि इसका प्रयोग अधिक किया जाए, जो आदत बने और आदत से बढ़कर लत का रूप ले ले, तो बात वाकई चिंता की है। डिजिटल एडिक्शन एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। यदि मोबाइल का प्रयोग और इंटरनेट का प्रयोग अधिक किया जाता है, तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। घर बैठे ही हम फोन पर कई जरूरी काम कर लेते हैं। फायदों के अलावा इनके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। यदि इनका अत्यधिक प्रयोग किया जाए, तो ये शारीरिक और मानसिक रूप से काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज के जमाने में लोग स्मार्टफोन एडिक्ट होते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मोबाइल और इंटरनेट के व्यसन यानी डिजिटल एडिक्शन की समस्या हाल के दिनों में एक बड़ी बीमारी के रूप में सामने आ रही है। सबसे पहली जो समस्या है कि इससे जो व्यक्ति है आइसोलेटेड हो जाता है, विड्रॉन हो जाता है, अपने आप में ही रहता है, लोगों से मिलना जुलना वो बंद कर देता है। और जो सबसे बड़ी समस्या देखने में आई है कि इससे नींद का प्रभाव बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से वो बाकी जो एक्टिविटीज हैं, जैसे खेल कूद या अपना जो इंटरेस्ट है या हॉबीज हैं, उस पे ध्यान देना कम कर देते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है उनकी पढ़ाई पर होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाता है। एक और जो समस्या है जिसको हम बोलते हैं कि जो इमोशनल सिम्टम्स, जैसे इरिटेबिलिटी, एंगर और गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन रहना, कभी कभी घबराहट, बेचैनी, उदासी, इस तरह के लक्षण भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं या मोबाइल फोन बहुत यूज करते हैं या लैपटॉप पे गेमिंग में अपना टाइम बिताते हैं, उनका खाना पीना भी कम हो जाता है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि उनका वजन कम हो गया है, खाने पे ध्यान कम हो गया है, और फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है, और कभी कभी उनकी ओबेसिटी या वेट बढ़ने लगता है। मोबाइल गेम, इंटरनेट मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, चैटिंग समेत तमाम वेब आधारित गतिविधियों की लत लोगों के व्यवहार और उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। दिन भर सेल फोन या इंटरनेट का प्रयोग करना कई समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। रात में देर तक अपने कमरे में अकेले बैठकर मोबाइल पर लगे रहना, मोबाइल कैमरे के लेंस के माध्यम से पूरी पार्टी को देखना, फिल्म देखना, अपनी स्थिति अपडेट करते रहना, किसी के साथ चैट करते रहना, ये सब समस्या का कारण बन सकता है। इन परिस्थितियों में इंसान घिर जाता है, जिससे आजकल इंटरनेट एडिक्शन कहा जाता है। डिजिटल एडिक्शन या व्यसन के कई लक्षण हो सकते हैं। इंटरनेट या फोन पर अधिक समय लगे रहना, फोन को बार बार देखते रहना, स्मार्टफोन को बार बार चेक करना और चेक करने से ध्यान केंद्रित नहीं रहना, बिना काम के भी मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना, मोबाइल पास न होने पर बेचैन हो जाना, आवश्यकता से ज्यादा वीडियो गेम खेलना, घंटों तक वेबसाइट देखना, वीडियो और शॉर्ट वीडियो देखने की चाह या आदत, स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ना, चैटिंग में समय बर्बाद करना, शॉपिंग के लिए अनावश्यक रूप से घंटों तक ई कॉमर्स साइट पर या ऐप पर लगे रहना, शेयर मार्केट या सट्टेबाजी की वेबसाइट में जरूरत से ज्यादा समय लगाना, ये सब डिजिटल एडिक्शन के लक्षण हो सकते हैं। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक कई लोग ऐसी ही गतिविधियों में लगे रहते हैं, जिसके कारण उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लोग अपने मोबाइल से इस तरह जुड़ जाते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। शोध के अनुसार हर उम्र के लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है और बार बार फोन चेक करना उनकी आदत बनती जा रही है। सबसे पहले तो हमारा दायित्व बनता है पेरेंट्स का या फैमिली मेंबर्स का कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें, एक उनको अच्छा वातावरण दें। दूसरा, एज अ पेरेंट जो है एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए कि वो उन्हें खुद भी इसका यूज जो है रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए,
क्योंकि बच्चे जो है पेरेंट्स को देखते हैं, अगर वो खुद भी इतना ज्यादा यूज करते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। और एनकरेज करना है पेरेंट्स को कि बच्चे जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो अपना खेलकूद भी करें, बाकी एक्टिविटीज भी करें, लोगों से मिलना जुलना भी करें, तो ये सब भी जरूरी है। और उसको जरूरी है कि एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम होना चाहिए, एजुकेट करें कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिजिटल लिटरेसी, क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, ऑनलाइन कैसे बच्चे इसमें ट्रैप में आते हैं। अगर समस्या ज्यादा है तो कंसल्ट करें, प्रोफेशनल हेल्प ली जा सकती है। मोबाइल, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन इसकी लत हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गई है। डिजिटल एडिक्शन से जुड़ी कई नई समस्याएं सामने आ रही हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार पर पड़ने लगा है। लोगों की कार्य क्षमता घट रही है, वो शिथिल और मोटे हो रहे हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से भी उन पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। स्मार्टफोन का अत्यधिक प्रयोग करना व्यवहारिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। लत पड़ने पर व्यक्ति चाहकर भी इंटरनेट या फोन से दूर नहीं रह पाता। यदि आप इंटरनेट और सेलफोन पर अधिक समय लगाते हैं और फोन सामने न होने पर परेशान हो जाते हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये डिजिटल एडिक्शन या लत का लक्षण हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो ध्यान दीजिए, स्मार्टफोन का प्रयोग स्मार्टली यानी समझ से कीजिए, और ये ध्यान रखिए कि ये जो तकनीक है आपके लिए सरदर्द का कारण ना बन जाए। सरदर्द के वैसे तो बहुत से कारण होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाए तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है, लेकिन खास प्रकार का सरदर्द जिसे हम माइग्रेन के नाम से जानते हैं एक बड़ी समस्या है, जिसमें कहा जाता है व्यक्ति को इतना अधिक दर्द होता है कि उसका जीवन और दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित होने लगती है। किस तरह से माइग्रेन होने पर योग की सहायता से उसको ठीक किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं पायल। आज हम सीखेंगे एक ऐसी तकनीक जो आपको आपके माइग्रेन अटैक्स कम करने में मदद करेगी। तो आइए सीखते हैं कपाल भाती। एक छोटी श्वास भरेंगे अंदर और उसको जोर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे हमें 10 बार करना है। आप अपने पेट पर कोई भी दबाव नहीं डालेंगे, आप अपनी छाती पर कोई भी जोर नहीं डालेंगे। श्वास भरना है गले तक और वहीं से बाहर निकाल देना है। तो 10 बार ऐसे करेंगे, आंखें बंद करके, पीठ को सीधी रख के। ऐसे 10 बार 3 राउंड रिपीट करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इस काउंट को बढ़ा भी सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। माइग्रेन का दर्द काफी खतरनाक होता है। जब माइग्रेन का दर्द ही हो तब तो दवा ले लेनी जरूरी हो जाती है, लेकिन अब ध्यान दें कि वापिस ये दर्द बार बार ना हो। और दर्द के समय में भी एक ड्रिंक बना लें, एक कप पानी लीजिए, उसमें एक दो पत्ते नीम के डालिए और साथ में एक चम्मच आंवला पाउडर डाल दीजिए और उसको उबाल लीजिए, अच्छी तरह उबाल लीजिए, और उसके बाद में उसे छान कर और उसे पीजिए। इंस्टेंट आराम मिलेगा। फिर सिर का सर्कुलेशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, रिलैक्सेशन करना ज़रूरी है। सिर के ऊपर जरा ऑयल का मसाज थोड़ा थोड़ा हल्के ढंग से करिए, रिलैक्स रखिए, निष्पंद भाव करिए, कपाल रंध्र कर्ण रंध्र ये सब धोती करिए। ये क्रियाएं बहुत फ़ायदा करेगी सरदर्द में, सरदर्द को हटाएगी, क्योंकि वहाँ सर्कुलेशन हमेशा ठीक रहेगा तो वो नसें जो श्रिंक हो जाती है माइग्रेन की वजह से वो ठीक रहे और इंसान अपने आप को माइग्रेन दर्द से हटा सकेगा। बस कोशिश करनी है, आप इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार। योग न सिर्फ रोगों के बचाव में उनको बेहतर प्रबंधित करने में बल्कि बेहतर स्वास्थ्य पाने में भी उपयोगी है। तो कीजिए योग और रहिए निरोग। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरा
काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। NPS में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा कही जाती है, ये भारतीय परंपरा का आधार मानी जाती है। तो आइए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी की संस्कृत पाठशाला में और सीखते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आज संस्कृत पाठशाला में हम बात करेंगे उच्चारण से संबंधी कुछ दोषों की, जो हम जाने अनजाने सामान्य रूप से कर जाते हैं। संस्कृत के लिए जब हमने यह पाठशाला शुरू की थी उस समय चर्चा भी की थी कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। उदाहरण समझते हैं भारत इस शब्द से। देखिए हम बोल रहे हैं भारत, तो इसमें भ आ र अ त अ ये ध्वनियाँ हैं, लेकिन सामान्य रूप से जब हम बोलते हैं तो अक्सर भारत कह देते हैं। भारत कहने से त में जो अ है साउंड वह हट जाता है, इसे संस्कृत में दोष कहा जाता है। और वैसे भी आज के इस आधुनिक युग में जब हम पासवर्ड में अपर केस और लोअर केस तक लगाते हैं तो क्यों इन उच्चारणों के साथ हम गलती करें, इसीलिए हमें यह उच्चारण ठीक रखने चाहिए। एक और उदाहरण है विधान। विधान, हम इसे विधान कह देते हैं अक्सर, जबकि यहाँ पर व ई ध आ न और अ है अंत में, अंतिम अ को हम यहाँ छोड़ जाते हैं। सामान्य रूप से अक्षर और वर्ण समानार्थी शब्द हैं और समझे भी वैसे ही जाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक छोटा सा भेद है, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है। आइए आपको बताता हूँ। अक्षय, जिसका अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात जो कभी नष्ट ना हो, वह अक्षर कहलाता है। जो है हमारी ध्वनि, अर्थात जब हम बोल रहे हैं वर्ण, जो हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो यह अक्षर कहलाते हैं बोलते समय। लेकिन इन्हें ही जब हम लिख देते हैं, अपनी कॉपी पेन से लिख देते हैं, कहीं पर टंकित कर देते हैं, कहीं पर उटंकित कर देते हैं, तो इन्हें वर्ण कहा जाता है। तो अक्षर और वर्ण में यही भेद है कि जब वह बोला जा रहा है तब उसे अक्षर कहेंगे और जब वह लिख दिया गया तो वह वर्ण कहलाएगा। भाषा का शुद्ध उच्चारण हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन फिर भी अपनी प्रादेशिक या मातृभाषा के प्रभाव के चलते कुछ दोष रह जाते हैं जिनसे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। आइए इन्हीं से संबंधी कुछ दोषों पर चर्चा करते हैं। हम अक्सर शब्द प्रयोग करते हैं जनता जनता, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण है जनता। यहाँ पर न में जो अ स्वर है उसको हम छोड़ देते हैं, जिसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए और पूरा बोलना चाहिए जनता। ऐसे ही आकाशवाणी, इसका उच्चारण शुद्ध यदि करना है तो वह है आकाशवाणी। दिनदर्शिका, दिनदर्शिका अर्थात कैलेंडर, जिसका उच्चारण हम करते हैं दिनदर्शिका, इसका शुद्ध उच्चारण है दिनदर्शिका। और गणपति महोत्सव, जो पूरे देश में बहुत ही व्यापक स्तर पर मनाया जाता है, अक्सर वहाँ पर हम णकार के स्थान पर नकार का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए गणपति, ऐसा उच्चारण कर जाते हैं, इसका शुद्ध उच्चारण है गणपति। इसी प्रकार कहीं कहीं हम स्वरों को जोड़ भी देते हैं, जैसे जन्म, जैसे कर्म, जैसे धर्म, जबकि इनके शुद्ध उच्चारण हैं जन्म, धर्म और कर्म। ऐसे ही उच्चारणों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचना, समझना और फिर उसके बाद बोलना चाहिए,
क्योंकि भाषा सीखने का क्रम तो वहीं से शुरू होगा जहां से हमने अपने बचपन में शुरुआत की थी। संस्कृत भाषा के ऐसे ही खूबियों और अपने कुछ दोषों को ठीक करने के लिए देखते रहिए आप संस्कृत की पाठशाला। तब तक के लिए नमस्कार, पुनः मिलामः, नमो नमः। जीवन में कुछ नया सीखने की बात हो या कठिन परिस्थितियों से जूझने की, व्यक्ति के मन में उत्साह और साहस बेहद महत्वपूर्ण होता है। उत्साह को व्यक्ति के जीवन का पावर हाउस कहा जाता है, जिससे उसको अपार शक्ति मिलती है। साहस और उत्साह अगर हृदय में हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी सरलता से किया जा सकता है। कहते हैं साहस और उत्साह है जीवन का बल, इन्हीं से मिलता है जीवन की समस्याओं का हल। तो आप भी उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए और हम भी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, कल लौटेंगे कुछ और ज्ञान की बातें लेकर। साथ ही बात होगी आपके स्वास्थ्य की और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।